1.8 और ये 3.2 यहां आ गया, एंड देन फाइनली इफ यू डिवाइड इट यू विल गेट 0.58. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस, ये कितनी हाइट आ गया, 0.58. एस्थेनोस्फेयर नीचे कितना गया, हाउ मच एस्थेनोस्फेयर हैज गॉन अप, काउंट डाउन, हाउ मच सो दिस एस्थेनोस्फेयर हैज गॉन डाउन बाय हाउ मच, 0.58. एंड आपने ग्लेशियर कितना ऐड किया था, 2 किलोमीटर, तो 0.58 नीचे गया, तो एक्चुअल में आइस की हाइट ऊपर कितनी दिख रही है, 1.42. यस और नॉट, 2 kg ग्लेशियर इज शोइंग, 2 किलोमीटर हाइट ग्लेशियर इज शोइंग, व्हाट इज द टोटल हाइट, 1.42. दैट इज इन अ ग्रेविटेशनल बैलेंस, इट हैज गॉन डाउन इन द लोअर सबस्ट्रेटम, 0.58 हैज गॉन डाउन. इफ आई सेड दैट 0.58 या 0.56, एंड इसका मतलब 1.42 इज शोइंग व्हाट, 2 किलोमीटर आपने एड किया, यू हैव एडेड 2 किलोमीटर, लेकिन ये 2 किलोमीटर में से कितना अंदर गया, हाउ मच इट हैज गॉन डाउन, 0.58, ऊपर कितना रहा, मेरी बात समझ रहे हैं, ऑल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग दैट, इसका मतलब कि एक्चुअल हाइट विल नॉट बी द सेम, इट विल बी सम अपेरेंट हाइट विल बी देयर अंडर द व्हाट, एक्चुअल हाइट ऑफ द ग्लेशियर इज 2 किलोमीटर, एक्चुअल हाइट of glacier is how much, 2 kilometer, but 0.58 has gone into asthenosphere, so the now apparent height of glacier is one, how much, minus 0.58, that become 1.42 kilometers. So this is an what, this is the height after isostatic पोजिशन, आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम, अंडरस्टूड. तो यही पूछा गया, ऑन द सेडिमेंट ऑफ 3 किलोमीटर व्हेन द 2 किलोमीटर ग्लेशिएशन हैज बीन टेकन प्लेस, देन व्हाट विल बी द आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, सो द 2 किलोमीटर विल शो हाउ मच, 0.58 हैज बीन बैलेंस्ड विद इन द एस्थेनोस्फेयर, एंड देयर फॉर द एक्चुअल इक्विलिब्रियम हैज बीन हाइट हैज बीन शोन इन व्हाट, ग्लेशिएशन ऑफ 1.42. समझ में आ रहा है, कैन यू डू दिस, और ये डाटा याद रखना, एंड दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल देखे आओगे तो एग्जामिनर विल मस्ट गिव यू मैक्सिमम एंड मोर मार्क्स, यस और नॉट, हिज कैनन को प्रेजेंट कर रहा है ईच एंड एवरी, आई सेड दैट ईच एंड एवरी कॉलम हैज अ डिफरेंट डेंसिटी एंड विद इन द कॉलम डिफरेंट डेंसिटी, सिंपल, दिस इज व्हाट हिज कैनन, दिस इज क्लियर. अब हम लोग देखने आ रहे हैं अनादर 2 किलोमीटर लेक, इसका मतलब वहां पे क्या था, व्हाट इज देयर, वाटर, यस, अनादर एग्जांपल, दिस 2 एग्जांपल्स दैट वी हैव टू सी फॉर द आइसोस्टैसिस, इसका मतलब नीचे क्रस्ट है, हाउ मच, 30 किलोमीटर, एंड देन बिलो 70 किलोमीटर मेंटल, एंड उसके बाद नीचे एस्थेनोस्फेयर, एंड व्हाट इज देयर, 2 किलोमीटर, आई हैव सेड दैट देयर इज, I said that lake, 2 kilometer lake over the 3 kilometer sediment, and then there is an a crust, and then there is an, I said that mantle. Then I said that वो जो डाटा दे दें accordingly you have to go. आप 30 और 70 ले लो, that is always you take 30 70. उसके बाद नीचे में क्या देखेंगे आप, yes, tell me, as far as, लेकिन यहां पर क्या हुआ, in this 2 kilometer lake, Lacustrine Lake, in the, if we'll go into Himalayas, what we'll see that? The lakes has been deposited by the, I said that, sediment. Yes, deposition of, and that is, this is a new sediment, not old sediment. Old sediment compact ho jata, 2 gram. But when the new sediment is there, its density is what? 1.8. Ye data yaad rakhenge. New sediment density is 1.8 gram per centimeter cube. And then old sediment has what? 2 gram per centimeter cube. Ab ye new sediment aa gaya. Ab iska kya
आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा. मेरी बात समझ में आ गई? सो राइट डाउन द क्वेश्चन एंड दैट एग्जाम्पल दैट यू हैव टू पुट. अ लेक ऑफ 2 किलोमीटर थिक, अ लेक ऑफ 2 किलोमीटर थिक ओवर 3 किलोमीटर डिपोजिटेड ओल्ड सेडिमेंट हैज बीन फिल्ड अप बाय द हैज बीन फिल्ड अप बाय द न्यू सेडिमेंट हैज बीन फिल्ड अप बाय द न्यू सेडिमेंट देन फाइंड आउट एक्चुअल हाइट ऑफ डिपोजिटेड लेक आफ्टर अटेनिंग आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आफ्टर अटेनिंग आइसोस्टैटिक equilibrium. Do this question. Mental को 70 किलोमीटर लेंगे, crust 30 किलोमीटर, old sediment 3 किलोमीटर, density is 2 gram per centimeter cube. कॉलम बनाओ. First column will be of 3 kilometer old sediment. Next column 30 kilometer of crust. Next column 70 kilometer of mantle. और उसके बाद नीचे क्या आ गया? Astrosphere. Clear? अब आपको बनाना है कि 3 किलोमीटर ओल्ड सेडिमेंट के ऊपर, 3 किलोमीटर ओल्ड सेडिमेंट के ऊपर आपको पहले वाले में क्या बनाना है? 2 किलोमीटर वाटर हाइट विद 2 किलोमीटर वाटर, 2 किलोमीटर वाटर. ध्यान रखेंगे 4 लेयर्स बनेंगे, 4 लेयर्स. 2 किलोमीटर वाटर, 3 किलोमीटर ओल्ड सेडिमेंट एंड देन आई सेड दैट यस 30 किलोमीटर क्रस्ट, 70 किलोमीटर मेंटल. लेकिन उसी लेक में 2 किलोमीटर में क्या हुआ? न्यू सेडिमेंट गेट डिपोजिटेड इन दो, इन दैट लेक न्यू सेडिमेंट गेट डिपोजिटेड एंड द न्यू सेडिमेंट डिपोजिटेड ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ द लेक आफ्टर डिपोजिशन इज नॉट क्लियर. न्यू सेडिमेंट पिछले वाले में मैंने बोला था 2 किलोमीटर आइस थी, ऑलरेडी आई हैव गिवन, बट यहां पे बोला लेक हैज बीन डिपोजिटेड.
हाइट ऑफ द इधर एक और ये कौन सा इसका है पहले का कंडीशन 2 किलोमीटर वाटर एंड यहां पर आ गया न्यू सेडिमेंट. इसकी हाइट नहीं जानते हो लेकिन इसका डेंसिटी तो जानते हो. वाटर की डेंसिटी 1 होता है. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन विल कम आउट दिस वन HS equals to HA plus 2, first equation. Have you got this? ये किसका लिख रहे हो? ये ओके. ये तुम कहां से लिख रहे हो? How you are writing this one? नहीं तो सेडिमेंट जब डिपॉजिट होगा उस लेक को भरने के लिए सेडिमेंट ज्यादा जाएगा. 2 किलोमीटर लेक है लेकिन उसकी कम डेंसिटी है. व्हेन यू आर पुटिंग दैट इट विल बी दैट यू डोंट नो द हाउ मच न्यू सेडिमेंट डेप्थ इज. व्हाट इज द न्यू सेडिमेंट डेप्थ? इसके ऊपर 1 कॉलम दैट विल मेक फॉर व्हाट लेक हैव यू मेड. ये 3 किलोमीटर ओल्ड सेडिमेंट इसी के ऊपर लेक है ना? नहीं नहीं दैट इज द यहां पर एक लेक बनाओगे इसके ऊपर लेक और इसका क्या है डेंसिटी? लेक में वाटर है वाटर की डेंसिटी 1 होती है और उसकी 2 किलोमीटर वो ऑलरेडी दे रखा है. एच वाटर एच ओल्ड सेडिमेंट क्रस्ट मेंटल ये एस्थेनोस्फीयर में नहीं जा रहा है ना. इसको हम लोग मान लेते हैं कि दैट इज अप टू द एस्थेनोस्फीयर में नहीं. ये हाँ ये मेंटल है. यहां से एस्थेनोस्फीयर स्टार्ट होता है. इसके ऊपर में हम एच ए रो एस्थेनोस्फीयर नहीं लेंगे. नहीं इसमें हम लोग नहीं लेंगे कि इट हैज टू बी व्हाट हम लोग देखेंगे जहां तक वो मेंटल है. इसके इसमें हम बैलेंस करवा रहे हैं ना क्योंकि इसमें हम लोग वेट दे रहे हैं. ये भी मेंटल के ऊपर ही है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है लेकिन ये एस्थेनोस्फीयर में कितना घुस रहा है? ये भी तो एस्थेनोस्फीयर में घुसेगा ही. ये भी घुसा हुआ है लेकिन इसको हम मान रहे हैं कि यहां से एस्थेनोस्फीयर स्टार्ट हो रहा है. तो ये कितना अंदर गया और ये कितना ऊपर गया? I said that what are the things which are fixed? What are the things which are fixed? Old sediment how much? 3 kilometer. And what is the thickness of 30 kilometer? And then mantle I have taken how much? Mantle how much? 70 किलोमीटर. इट्स डेंसिटी इज व्हाट? 2.7. इट्स डेंसिटी इज 3.1. एंड ओल्ड सेडिमेंट दिस इज एन ओल्ड सेडिमेंट एंड हाउ मच डेंसिटी? 2 ग्राम. एंड इसके ऊपर क्या है आपका? लेक. एंड द लेक इज हाउ मच? 2 किलोमीटर डीप लेक. और इसमें डेंसिटी इट इज वाटर. वाटर मीन्स इट सेल्फ आई सेड दैट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Is it okay? This equation is clear? तो यहां पर ये जहां पर भी रहेगा तो इसको हम लोग किस कहां पर where we consider isopistic जो सबसे नीचे जाता है there we consider isopistic. Another हम लोगों ने इसी पानी में क्या भर दिया? In this lake what the deposition of sediments like a strain lake. And as I filled up, तो ये थोड़ा सा क्या हुआ? दबा. It has what? This has gone little down. क्योंकि ये मिट्टी है. And then it started what it is in a putting little. I said that पूरे lake को filled up कर दिया. This lake has been filled up by the sediment.
लेकिन यहां पर सेडिमेंट जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इज व्हाट, सेडिमेंट डेंसिटी इज मोर देन वाटर, तो थोड़ा सा ये नीचे दबाएगा. एंड व्हेन इट हैज गॉन लाइन लाइक दिस, सो वी हैव डन लाइक दिस, देयर आफ्टर विल सी. और ये क्या हो गया आपका, दिस इज एन, आई डोंट नो व्हाट इज द हाइट, इट इज एन, आई सेड दैट एच न्यू सेडिमेंट, इट इज न्यू सेडिमेंट. और ये जो है एच ओल्ड सेडिमेंट, एच क्रस्ट, एच मेंटल, क्लियर. एंड दिस इज एन एच वाटर, हाइट ऑफ द लेक. एंड देयर आई एम डूइंग, आई सेड दैट. और ये क्या है आपका एच, दिस वन इज एच न्यू सेडिमेंट, एंड दिस वन इज आई सेड दैट एच ओल्ड सेडिमेंट, एच क्रस्ट.